दोस्तों इस वक्त की बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर दोस्तों रोहित शर्मा के लिए आई बड़ी खुशखबरी। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएंगे हिटमैन, देखकर विराट कोहली भी हुए काफी ज्यादा खुश। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि रोहित शर्मा के लिए कौन सी बड़ी खुशखबरी आई है, साथ ही में क्या सच में हिटमैन रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने वाले हैं, साथ ही में विराट कोहली क्यों खुश हुए हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी तरह से विस्तार से बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 1000 लाइक का है, तो दोस्तों अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों टीम इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरा काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 वनडे मुकाबले, 3 टी20 मुकाबले और 4 टेस्ट मुकाबले खेलने हैं। जी हां दोस्तों 27 नवंबर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मुकाबलों की सीरीज खेली जाएगी। दोस्तों मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर से शानदार कप्तानी करके अपनी टीम को आईपीएल 2020 के फाइनल में पहुंचा दिया है। दोस्तों मुंबई इंडियंस को आईपीएल की सबसे सफल टीम बनाने में रोहित शर्मा की काफी अहम भूमिका रही है। दोस्तों आईपीएल 2020 के आखिरी लीग मुकाबलों में रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 से बाहर रखा गया था। इसके बीच यह कयास लगाए जा रहे थे कि रोहित शर्मा फिट नहीं है। इतना ही नहीं दोस्तों जब ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा की गई उसमें दोस्तों रोहित शर्मा को जगह नहीं दी गई। जी हां दोस्तों इसके बाद रोहित शर्मा के फैंस काफी उदास और दुखी थे, लेकिन दोस्तों जब रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल 2020 में आखिरी लीग मैच खेला तो रोहित के फैंस खुश हो गए। जी हां दोस्तों रोहित शर्मा इस वक्त खराब प्रदर्शन से जूझ रहे हैं। दोस्तों पिछले 2 मुकाबलों में रोहित शर्मा का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों आईपीएल के फाइनल मुकाबले में रोहित शर्मा का चलना काफी जरूरी है। अगर रोहित शर्मा शानदार प्रदर्शन नहीं करते हैं तो इस बार उनकी टीम को हार झेलनी पड़ सकती है। जी हां दोस्तों आईपीएल के फाइनल मुकाबले में हर किसी की निगाहें रोहित शर्मा के बल्लेबाजी पर रहेगी। दोस्तों मुंबई इंडियंस आईपीएल में सबसे ज्यादा 4 बार फाइनल जीतने वाली टीम है। दोस्तों अगर मुंबई इंडियंस का इस बार का आईपीएल जीत जाती है तो वह मुंबई इंडियंस के आईपीएल में दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल में फाइनल जीतने वाली यह 5वीं टीम हो जाएगी। जी हां दोस्तों एक बार फिर से रोहित शर्मा के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दोस्तों अच्छी खबर यह है कि रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल खत्म होने के ठीक बाद रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चार्टर्ड फ्लाइट से ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे। जी हां दोस्तों 10 नवंबर को आईपीएल 2020 का फाइनल मुकाबला खेला जाना है। दोस्तों चोटिल होने के बाद यहां पर रोहित शर्मा कुछ मैचों में नहीं खेल पाए थे, हालांकि दोस्तों अब वह पूरी तरह से फिट हुए हैं। चोट से उबरने के बाद रोहित शर्मा अपना 3रा मुकाबला खेलेंगे। दोस्तों जब रोहित शर्मा के अनफिट होने की बात कही जा रही थी तो इस पर खुद मुंबई इंडियंस के चयनकर्ताओं ने जवाब दिया था। मुंबई इंडियंस के चयनकर्ताओं ने बताया कि रोहित शर्मा पूरी तरह से फिट हैं और वह जल्द ही टीम में वापसी करेंगे। दोस्तों सूत्रों का कहना यह है कि रोहित शर्मा टीम इंडिया के साथ सिडनी के लिए रवाना होंगे। वहीं और बाकी खिलाड़ियों को एक ही फ्लाइट में रोहित शर्मा के साथ यहां पर ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे। दोस्तों जल्द ही इस बात पर निर्णय हो जाएगा। सूत्रों ने भी यह कहा है कि रोहित शर्मा टीम के साथ जुड़े रहे और फिजियो नितिन पटेल और ट्रेनर निक वेब ने भी यहां पर उनके स्ट्रेंथ और कंडीशन पर काम करे। दोस्तों इसी में देखने वाली बात होगी कि रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शामिल करते हैं या नहीं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाना चाहिए, उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही में दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और दोस्तों आईपीएल से जुड़ी हर खबर पाने के लिए अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों उसके बाद घंटे वाले बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही।